नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। बिहार में बेरोजगार लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहां बेरोजगारी इस कदर हावी है कि जिसे इंजीनियर बनना था वो आज चपरासी बनने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। इतना ही नहीं, बिहार में एग्जाम पास की अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र की जगह पुलिस की लाठी मिल रही है। ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आने के बाद विपक्षी पार्टी राजद ने भी सरकार पर जमकर तंज कसा है। इसके अलावा राजद ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा है कि बिहार में बेरोजगारी का आलम यह है कि यहां बीटेक पास अभ्यर्थी भी चपरासी का फॉर्म भर रहे हैं। साथ ही राजद ने पूछा है कि हत्या, अपहरण और आपराधिक घटनाओं के आधार पर क्या बिहार सरकार 19 लाख रोजगार दे पाएगी। आपको बता दें कि बिहार में 96 चपरासी के पदों के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। आवेदन जमा करने वाले आवेदकों में कई ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बीटेक, ग्रेजुएट और पीजी किया हुआ है। ये सभी छात्र भी चपरासी की नौकरी लेने वालों की होड़ में शामिल हैं, जबकि इन पदों के लिए योग्यता 10वीं पास तक ही रखी गई है। बिहार में बढ़ते बेरोजगारी की वजह से ही उच्च शिक्षा प्राप्त विद्यार्थी भी इन नौकरियों को पाने के लिए काफी ज्यादा कोशिश करने में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बिहार में नौकरी की परीक्षा पास किए विद्यार्थियों को अपने नियुक्ति पत्र पाने के लिए भी काफी जद्दोजहद करना पड़ रहा है। बीते दिनों राजधानी पटना में डाटा एंट्री ऑपरेटर की परीक्षा पास के अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया। हालांकि प्रशासन के द्वारा धरना प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों को भगा दिया गया। हंगामा कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि एक साल पहले ही उनका रिजल्ट आ गया था, लेकिन अभी तक ज्वाइन करने को लेकर ना कोई लेटर आया है और ना ही उन्हें कोई मैसेज मिला है। आपको बता दें कि बिहार में बेरोजगारी इस कदर हावी है कि अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी एक मुख्य मुद्दा था। चुनाव के दौरान जहां महागठबंधन की तरफ से राजद ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, तो वहीं भाजपा ने 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी। लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जहां बेरोजगारी अपने चरम पर है। हालांकि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी एनडीए गठबंधन की नई सरकार जब से बनी है, तब से बिहार के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार द्वारा लगातार सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में नीतीश कैबिनेट की बैठक में 20 लाख बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली थी। सरकार के अनुसार अगले 5 सालों में बिहार के 20 लाख बेरोजगारों को अलग अलग क्षेत्रों में नौकरी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किए जाएंगे। आपको बता दें कि इसमें प्राइवेट, सरकारी और संविदा पर आधारित नौकरियां शामिल हैं। यह भी सच है कि कोरोना महामारी ने भी बहुत सारे लोगों की कमर तोड़ कर रख दी है। लॉकडाउन की वजह से कई लोगों की नौकरियां चली गई है। यही कारण है कि बिहार में भी बेरोजगारों की संख्या बढ़ी है। तो अभी के लिए बस इतना ही। बिहार की हर खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। धन्यवाद।